हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे केमिस्ट्री के, और चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि फुल एनसीईआरटी एक्सरसाइज है। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जो कि एमसीक्यू है, इथेन विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 हैज, मतलब इथेन का फार्मूला दे दिया गया है C2H6। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि C2H6 में कितने कोवेलेंट होते हैं। तो इसके ऑप्शन है 6 कोवेलेंट होते हैं, ऑप्शन बी है 7 कोवेलेंट होते हैं, ऑप्शन सी है 8 कोवेलेंट होते हैं, या ऑप्शन डी है 9 कोवेलेंट होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी 7 कोवेलेंट होते हैं। ओके, अब है क्वेश्चन 2 जो कि एमसीक्यू है, उसमें पूछा गया है ब्यूटेन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप, यानी ब्यूटेन हमारा 4 कार्बन का कंपाउंड है, और इनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है आपको ये बताना है। तो फर्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकंड है एल्डिहाइड एसिड, थर्ड है कीटोन, और फोर्थ है अल्कोहल। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कीटोन। ओके, अब है थर्ड एमसीक्यू में पूछा गया है व्हाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैक एंड ऑन द आउटसाइड इट मींस दैट, जब भी हम लोग खाना बनाते हैं तो जिस बर्तन में हम खाना बना रहे होते हैं उसका जो आउटर सरफेस ब्लैक कलर का हो जाता है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है हमें ये बताना है। तो इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है द फूड इज नॉट कुक्ड कम्प्लीटली, ऑप्शन बी है द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, ऑप्शन सी है द फ्यूल इज वेट, और ऑप्शन डी है द फ्यूल इज बर्निंग कम्प्लीटली। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली। ओके, अब एमसीक्यू के बाद है क्वेश्चन आंसर, जिसमें पूछा गया है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। हम लोगों को नेचर ने बताया है कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन का CH3Cl में क्या होता है, हमें ये बता। तो इसका आंसर क्या है? द नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड इन द फॉर्मेशन CH3Cl इज दैट, जो नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड होता है CHCl3 का, वो क्या है? फर्स्ट है कार्बन फ्रॉम 3 कोवेलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन, दूसरा है कार्बन फ्रॉम 1 कोवेलेंट बॉन्ड विद क्लोरीन। अगर हम देखें CH3Cl को, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन कोवेलेंट प्रेजेंट है और 1 क्लोरीन का कोवेलेंट प्रेजेंट है, तो ये होता है उसका नेचर। और इसका डायग्राम भी है, तो डायग्राम में ये दिखाया रखा है पूरा का पूरा, आप इसको प्लीज़ सही से डायग्राम आप बना लेना। ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर, आपको क्या करना है? आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है इथोनिक एसिड, आपको इथोनिक एसिड का डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो क्या है इथोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो इथोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पर हम इथोनिक एसिड के स्ट्रक्चर को उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। तो क्या होगा? तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, यहाँ मैं इसके जो इलेक्ट्रॉन है पहले मैं वो बता देती हूँ, जो ये है इसका ऑप्शन ए का जो क्वेश्चन था इथोनिक एसिड का, उसका जो डॉट स्ट्रक्चर बनाना है वो ये है ए वाला। तो इसमें देखो क्या बोल रही हूँ मैं, तो हम क्या करेंगे कार्बन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कर रखा है कार्बन के इलेक्ट्रॉन को किससे कर दिया मैंने, डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्रॉस भी है और डॉट भी है, तो हाइड्रोजन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्रॉस से, और कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा कार्बन होगा तो वो ऐसे रिप्रेजेंट होगा, और ये ऑक्सीजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, और ये हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये एथोनिक एसिड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक का डॉट स्ट्रक्चर, किसका, एथोनिक एसिड का। अब है क्वेश्चन बी जिसमें लिखा है H2S, तो इसका हम क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा,
वन होता है, जो कि लिखा गया है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर वन है। और सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होगा? सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होगा। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब इसका जो डॉट स्ट्रक्चर है, वो डॉट स्ट्रक्चर देखना है। क्या है इसका डॉट स्ट्रक्चर? नीचे चलते हैं, देखिए इसका डॉट स्ट्रक्चर है ये सी वाला। सॉरी, क्वेश्चन बी लिखा था, मगर यहाँ पे ये सी कर दिया गया है। तो ये सी है इसका डॉट स्ट्रक्चर, आप इसको देखेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड का इसको देखेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या है, सल्फर के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब सल्फर इसके साथ साथ एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन अपने डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो याद रखना, जो बी क्वेश्चन है उसका आंसर इसमें सी लिखा गया है, तो ये सी वाला है हाइड्रोजन। ओके, अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सी है, सी में पूछा गया है प्रोपेन का। क्या पूछा गया है? प्रोपेन का। तो हमको ये पता है कि प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CO CH3 होता है। तो अब इसका जो डॉट स्ट्रक्चर बनाना है वो क्या बनाएंगे, ये है इसका डॉट स्ट्रक्चर जो कि बी दे रखा है, यानी उल्टा कर दिया है, बी का आंसर सी में कर दिया है और सी का आंसर बी में कर दिया है। तो प्रोपेन का जो डॉट स्ट्रक्चर क्या है, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से प्रेजेंट करेंगे और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को किससे कर रहे हैं, क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको यहाँ पे क्रॉस दिख रहे होंगे, ये क्रॉस है और डॉट है। तो डॉट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और ऑक्सीजन को क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर डबल बॉन्ड था तो हमने चार इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी और यहाँ पर हमने एक हाइड्रोजन को अटैच कर दिया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया प्रोपेन का क्या, डॉट इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। ओके, अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर डी है, इसी का डी पार्ट, जो कि पूछा गया F2 मीन्स फ्लोरिन। तो F2 मतलब फ्लोरिन। तो फ्लोरिन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 9 होता है और इसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो फ्लोरिन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो इसका जो डॉट स्ट्रक्चर होगा वो ये है, फ्लोरीन का डॉट स्ट्रक्चर जो कि बनाना है। तो हम क्या करेंगे, तो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया है हमने, दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन को मांगेगा। तो ये F2 का मतलब होगा कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये था फ्लोरीन का डॉट स्ट्रक्चर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है होमोजेलस सीरीज एक्सप्लेन विद इन अ एग्जांपल। होमोजेलस सीरीज क्या होती है और उसका आपको एग्जांपल भी देना है। तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच द सक्सेसिव ग्रुप इज डिफर। मतलब ये एक बेसिकली ग्रुप का कंपाउंड है जिनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है, लेकिन इनमें ये डिफरेंस होता है कि जो फर्स्ट कंपाउंड और सेकंड कंपाउंड है, इन दोनों के बीच में CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा। तो अगर इसका एग्जांपल देखा जाए, तो एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है एल्कीन और एल्काइन। तो अब हम देखते हैं, ये है ग्रुप में जो हमने कर रखा CH2 ग्रुप को। तो एल्कीन के होमोजेलस सीरीज समझते हैं, ये क्या है, ये है, देखते हैं, ये है CH4 और CH4 डिफर करेगा CH2 से। तो CH4 में CH2 को ऐड करेंगे तो हम लोगों को सेकंड नंबर मिल जाएगा, दैट इज क्या होगा, वो होगा C2H6। अब हम C2H6 में CH2 को फिर से ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा C3H8। ये मिल रहा है ना, ये देखो ये लिखा है C2H6 है। इस C2H6 में क्या किया है हमने, इस C2H6 में हमने ऐड किया है, किसको किया है, CH2 को ऐड किया। जब हमने इसको CH2 को ऐड किया तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया ना C3H8 हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, CH2 को फिर से हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फिर हमें मिल जाएगा CH4H10 मिल जाएगा। ये मिल गया ना CH4H10 मिल जाएगा। तो ये एक अल्कीन की होमोलोजियस सीरीज हो जाएगी, ठीक है, ये था इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन इथेनॉल एंड इथोनिक एसिड
बी डिफरेंशियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले तो आपके कोर्स में फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्रॉस, ये आपके सिलेबस से हटा दी गई है। केमिकल प्रॉपर्टी है तो हम इसको केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। तो केमिकल जो प्रॉपर्टी है इसमें हमने लिखा है केमिकल टेस्ट, इथोनॉल प्लस मेटल कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट तो नो रिएक्शन। फिर है इथोनॉल एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट इक्वल टू सॉल्ट प्लस H2O CO2, फिर CO2 प्लस CaO CaOH2 मिलकी। मतलब इसका क्या मतलब है? इसका पहले तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि इथेनॉल और इथोनिक एसिड को उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, हमें ये बताना है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो नहीं है तो हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इथेनॉल और इथोनिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं पढ़नी है क्योंकि ये CBSE के सिलेबस से हट गई है, तो हम क्या पढ़ेंगे, हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इथेनॉल के रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ करते हैं, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होता, हो रहा ना, ये देखा है इथेनॉल प्लस मेटल कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट नो रिएक्शन, तो वहाँ पर क्या हो गया, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। और यहीं पर इथेनॉल एसिड में मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करते हैं तो ये सॉल्ट को फॉर्म करता है, लिखा है ना, सॉल्ट को फॉर्म करता है और H2O को प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी वो प्रोड्यूस करता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैल्शियम ऑक्साइड के साथ पास करते हैं, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को फॉर्म करती है जो कौन से कलर की हो जाती है, जो कलर मिल्की कलर का होता है। मतलब कलर के चेंजिंग कलर से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा इथेनॉल और कौन से इथोनिक एसिड है। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर की 7th। अब है क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, वैसे आपके चैप्टर में आपके सिलेबस में क्वेश्चन 8 हो या क्वेश्चन 10 से लेकर 15 तक है वो सिलेबस में नहीं है, वो CBSE ने हटा दिए हैं, तो हम इसको देखेंगे जो कि ये वैसे NCERT का क्वेश्चन नंबर 9 है, मगर इसमें नंबरिंग अपने नंबरिंग के हिसाब से हमने लिखी है तो वो क्वेश्चन नंबर 8 हो रहा है, मगर ये 9 है। तो क्या है क्वेश्चन, वाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज एज फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशन। कार्बन और कार्बन से जो भी कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है हम लोग फ्यूल का यूज क्यों करते हैं वो हमें बताना है। तो आंसर क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर यूज एज फ्यूल बिकॉज, क्यों करते हैं, बिकॉज क्या कारण है, फर्स्ट क्या है, दे हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड एज रिजल्ट ऑफ विच दे आर यूज एज फ्यूल। कार्बन की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती है, अब जब इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये हमारा गुड फ्यूल होगा, जब ये गुड फ्यूल होगा तो हम लोग कार्बन को एज अ फ्यूल यूज़ करेंगे। सेकेंड क्या है, सेकेंड है दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ लाइट व्हेन बर्नड इन एयर, यानी कार्बन और कार्बन से जो भी कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है उनको एयर में बर्न करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्या होती है, क्या प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है। तो ये थे क्वेश्चन आंसर किसके, केमिस्ट्री के, और चैप्टर का नाम था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, बट ये अभी किसके हैं, ये अभी फुल NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, अब इसकी पार्ट 2 भी अब वीडियो आएगी जो कि क्या होगी NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चन के भी होगी, ये अभी फुल NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर है, अभी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो होगी NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चन के। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, तो प्लीज़ समझ आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।